गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने जो है पार्ट 3 पूरा किया था, यानी प्रश्न उत्तर, लिखित और मौखिक। सभी प्रश्नों के उत्तर हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आ रहे हैं नए पार्ट, पार्ट 4, एक पत्र पुत्र के नाम। जहां तक मुझे याद है, मैंने आपको यह पार्ट 5वीं कक्षा में भी पढ़ा लिया है और आप पढ़ भी चुके हैं इस पार्ट को। फिर भी हम एक बार इसे देख लेते हैं। यहां इस पाठ के द्वारा, यह पाठ जो है किसे संबंधित है? गांधी जी से। और गांधी जी ने यह पत्र, है ना, एक पत्र पुत्र के नाम। किसने लिखा पत्र? गांधी जी ने। किसको? अपने बड़े पुत्र को। इस कहानी के द्वारा हमें यह पता चलता है कि बच्चों को परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए तथा जीवन में सत्य व अहिंसा का अनुसरण करना चाहिए। सत्य और अहिंसा का अनुसरण करते हुए अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। तो क्योंकि हम ये पाठ पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं सारांश तो नहीं कहूंगी, लेकिन बीच बीच के कुछ अंश में हटा दूंगी। जो हमें लगे कि मुख्य है, हम उसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है बच्चों? साथ ही मैंने यहां जो है, आप देखिए, कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, जिससे जब मैं पाठ पढ़ूं और जिस शब्द को आपको समझने में कठिनाई हो तो उसके अर्थ जो है यहां दिया गया है, आप देखते रहिएगा। पहला है कर्तव्य, यानी कि फर्ज। असंतोष, अप्रसन्नता। बोध होना, ज्ञान होना। कृत्रिम, बनावटी रूप से। संग्रह करना, एकत्र करना यानी इकट्ठा करना। रुचि, अनुराग या प्रेम, यानी जिस कार्य में हमें रुचि है उसे हमें प्रेम होता है, तभी हम उस कार्य को सही रूप से कर पाते हैं। चित्त, मन। चेष्टा, प्रयास करना। नियमितता, यानी नियमित रूप से जो भी हम कार्य करें मन से करें और नियमित रूप से करें। तो यह पत्र महात्मा गांधी ने जेल से अपने पुत्र को लिखा है। प्रिय पुत्र, प्रत्येक माह एक पत्र लिखने और एक पत्र आने का अधिकार मुझे मिला है, यानी जेल में रहते हुए महात्मा गांधी को जो है एक पत्र लिखने का, और जो वहां से आए वापस उसका जो है जवाब मिले तो उसे एक पत्र पढ़ने का उन्हें अधिकार मिला था। अब मैं पत्र लिखूं किसे, सवाल ये उठा था। मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता था, लेकिन इस समय तुम्हारा ये ध्यान मुझे बराबर आ रहा है। गांधी जी कह रहे हैं, मुझे तीन लोगों का ख्याल आया, मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का और अपने बड़े पुत्र का, है ना। लेकिन उन्हें जिनके बारे में वो सोच रहे थे वो थे उनके पुत्र। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूं। आशा है कि बा, यहां बा कौन है? गांधी जी की पत्नी। बा अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए हैं, क्योंकि उनको एक ही पत्र मिलता था और उस एक ही पत्र को जो लिख भी सकते थे और एक ही पत्र उनको पढ़ने के लिए दिया जाता था। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी हैं? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबुदाना बराबर ले रहे होंगे, यानी ये प्रश्न भी है ना, अपने पुत्र के लिए कि भाई मैं जो जानना चाहता था बा के स्वास्थ्य के बारे में, मुझे जानकारी मिली है कि अब वह थोड़ी स्वस्थ हैं, और यह भी मैं आशा करता हूं कि तुम सब, यानी बा और बा के साथ बाकी बच्चे भी जो है सवेरे दूध के साथ साबुदाना बराबर ले रहे होंगे। और अब तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा, तुम कैसे हो बच्चों? मैं यह जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि ये पाठ मैं पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, ठीक है। मैं ही नहीं, जो भी बच्चे थे 5वीं कक्षा में, उन्होंने यह पाठ पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ।
तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके पूरी तरह योग्य हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे होंगे। यानी पिता जो है यह उम्मीद करता है अपने बेटे से, आशा रखता है कि मैंने जो जिम्मेदारी तुम पर डाली है, किसकी जिम्मेदारी, बाकी और अपने बाकी भाइयों की, है ना, उसे तुम खुशी खुशी निभा रहे होगे। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है, यहां दिया गया है ना, असंतोष यानी अप्रसन्नता। जेल में मैंने यह खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूं कि केवल अक्षर ज्ञान ही सच्ची शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा क्या है, चरित्र का निर्माण और कर्तव्य का बोध होना, है ना। सिर्फ अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेने से जो है वो हमारे लिए सच्ची शिक्षा नहीं होगी। सच्ची शिक्षा गांधी जी के अनुसार क्या है, चरित्र का निर्माण करना और कर्तव्य का बोध। यहाँ कर्तव्य क्या था, यानी अपनी माता के साथ, बाप के साथ साथ अपने भाई बहनों का भी ख्याल रखना। या यदि यह दृष्टिकोण सही हो और मेरे विचार से बिल्कुल सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह विचार किसके हैं, गांधी जी के। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है, रामदास और देवदास जो को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा ही पूरी हो जाती है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद यानी खेल कूद कर समय व्यतीत करना, निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष के आयु के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। यह किस चीज की जिम्मेदारी हो रही है, 12 वर्ष के बच्चे जो है अपने छोटे छोटे काम कर सकते हैं, है ना, अपने माता पिता की सहायता कर सकते हैं। यहाँ उन्हें अपने आचार विचार में, अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। यानी जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, सत्य और अहिंसा, है ना, उसमें शामिल होना चाहिए। और यह व्यवहार समझकर नहीं करें, और जो भी यह कार्य कर रहे हैं उसे बोझ समझकर ना करें, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। यानी खुश होकर, प्रसन्न होकर, सच्चे मन से। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, कृत्रिम यानी बनावटी नहीं होना चाहिए कि हम काम तो कर रहे हैं दिखाने के लिए, है ना, ऐसा नहीं। हमें जो भी कार्य करना है उसे मन से करना है। यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए, यानी ये हमारे कर्तव्य में, ये जो हमारे दिनचर्या में जो है शामिल होना चाहिए। हमें ये सोचकर करना चाहिए कि यह हमारा ही काम है, हमारा काम कोई और नहीं करेगा, इसे प्रसन्न मन से करना चाहिए। अब गांधी जी अपने बारे में बता रहे हैं, मैं जब तुमसे काफी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिता की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। अब यहाँ गांधी जी तीन महत्वपूर्ण बातों पर जो है जोर दे रहे हैं, वो क्या थी, वो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था शायद, अपने आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान। ये तीन जो है महत्वपूर्ण बातों पर गांधी जी ने विचार किया है। उनके अनुसार जो है संसार में किसी भी जगह यदि आप जाओगे और वहां निर्वाह यानी अपना जीवन यापन के लिए आपको किस चीज, किन तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, अपनी आत्मा का, यानी कि आप जो भी करो आपकी आत्मा उससे संतुष्ट हो, अपने आप का और आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, तथा साथ ही ईश्वर के, ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, है ना। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, इन चीजों की इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो यह मैं नहीं चाहता, है ना। सिर्फ क्योंकि उनके बड़े पुत्र जो है अप्रसन्न रहते थे, क्यों, उनको जो, क्योंकि उन्हें जो है पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, स्कूल जाके शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन गांधी जी के अनुसार सिर्फ अक्षर ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं होती है, यानी अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है
उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। गरीबी में रहना है क्यों? क्योंकि गांधी जी जो है सत्याग्रह कर रहे थे, है ना, तो उनको बार बार जेल जाना पड़ रहा था, ये अपने अपने देश में रहकर वह जो है बाहर अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते थे। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है, अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी हैं। कारण क्या हो सकता है बताइए? गरीब जो है अपने आप पर निर्भर होता है ना, उसे जो चाहिए वह स्वयं करने प्राप्त करने की कोशिश करता है, यानी जो भी काम करता है वह स्वयं करने की चेष्टा करता है, ना कि वह दूसरों पर निर्भर होता है। इसलिए गांधी जी ने कहा कि अमीरों से अधिक क्या है, गरीब खुश हैं, क्योंकि उन्हें जब भी जिस चीज की भी आवश्यकता होती है, उनको चाहे अगर एक कुछ भी चाहिए तो उसके लिए वो प्रयास करते हैं, ना कि वो चुपचाप बैठे रहते हैं कि मुझे कोई और लाके देगा। खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना निर्वाह इसी से करना है, यानी खेती से ही हमें जो जीवन निर्वाह करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। गांधी जी के अनुसार गांधी जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम एक योग्य किसान बनो और सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। सुव्यवस्थित मतलब ये मतलब जो जैसा होना चाहिए, सही ढंग से, सही तरीके से, सुसंगठित करके, ठीक है। अक्षर ज्ञान में, और यहाँ गांधी जी ने जोर दिया है कि यदि जो भी तुम अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो उसमें आपको गणित और संस्कृत का पूरा ध्यान देना है। किस विषयों पर? गणित और संस्कृत विषयों में जो है पूरा ध्यान देना है। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना, साथ ही साथ सिर्फ गणित और संस्कृत का ज्ञान ही नहीं, संगीत में भी अपनी रुचि बनाए रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा, यानी कि जब तुम कभी इसे खोलकर देखोगे तुमने क्या लिखा है इसके बारे में जो है, या तो वो छपेगी वो बुक, है ना, जो भी आपने एकत्रित किया, संग्रहित किया है कविता या जो उसे, छप सकती है, यानी मूल्यवान साबित होगी। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, और गांधी जी यह भी बता रहे हैं कि आपके ऊपर काम का कितना भी बोझ पड़े, समस्याएं कितनी भी जटिल हो, हमें उसे घबराना नहीं चाहिए, और ना ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करें। शांत चित से, चित यानी क्या है, मन, शांत मन से और सोच समझकर यदि तुमने भी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की, सद्गुण अच्छे गुण, तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। तुमसे आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होंगे उसके पैसे पैसे का हिसाब रखते होंगे, यानी इतनी सारी आशाएं गांधी जी अपने पुत्र से कर रहे हैं, है ना। और कोई भी काम हमारे सामने कितनी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, यदि हम उस काम को शांत मन से और सोच विचार कर करेंगे तो उस समस्या का समाधान हमें अवश्य मिलेगा। तुमसे आशा है कि घर के लिए, और यहाँ क्या है, यहाँ घर के लिए आप जो भी खर्च करते हो, यानी उसके एक एक दिन का, एक एक पैसे का हिसाब आप रखते होंगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को भी वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना के लिए जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर, यहाँ सबसे पहले क्या है, सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करना चाहिए। यह नियमितता तुम्हारे अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। नियमितता यानी नियम के अनुसार आप जो काम करोगे, यानी सुबह उठना है तो सुबह उठकर ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अब ये कोरोना वायरस की वजह से आप
इतने सुबह उठते होंगे इसकी आशा तो मैं नहीं करती हूँ। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चे जो है सोकर उठते होंगे आराम से। क्यों? क्योंकि स्कूल भी नहीं जाना है, छुट्टियां चल रही हैं, और मम्मी यदि कहती भी होंगी बेटा जल्दी उठो, तो मम्मी 5 मिनट, वो 5 मिनट आपके जो है कभी समाप्त नहीं होते, है ना। 5 मिनट की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 2 मिनट कहते हैं आप सभी। लेकिन चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, यानी आज हम इस संकट से घिरे हुए हैं, तो समाधान भी अवश्य निकलेगा। धैर्य रखना चाहिए। और हम जैसे उठते थे पहले, यानी अगर हम 5 बजे उठते थे, तो हमें उसी नियम के अनुसार हमें उठना चाहिए। उस नियम का पालन करते हुए हम जो भी कार्य करते थे, यानी स्कूल आने के अतिरिक्त जो भी काम करते थे, वो हमें उसी के अनुसार, नियम के अनुसार करते रहना चाहिए। तभी हमें जो है आगे जब हम बढ़ेंगे, तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे आज तो हम जल्दी उठना है, ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वयं अपने आप ही उठ जाओगे, है ना। यानी आज स्कूल बंद है, और जब स्कूल खुलेगा तब आपके अंदर आलस भर जाएगा। इसलिए जैसे आप थे, यानी 5 बजे उठते थे तो 5 बजे उठिए, 4 बजे उठते थे तो 4 बजे, आज भी अपने उसी नियम के अनुसार अपना कार्य करते रहिए। तो यह था बच्चों हमारा पाठ 4, एक पत्र पुत्र के नाम। यहाँ मैंने शब्दार्थ लिखा है, आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख भी लिया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समय दे देती हूँ, ठीक है। तब तक हम जो है कुछ प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। बहु विकल्पीय प्रश्न, गांधी जी के अनुसार कितनी आयु के बाद बच्चों में जिम्मेदारी व कर्तव्य का ज्ञान बोध होना चाहिए? कितनी आयु के बाद? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 12 वर्ष? कितने वर्ष? 12 वर्ष की आयु के बाद, है ना, हमें हमारी जिम्मेदारी व कर्तव्य का बोध होना चाहिए। दूसरा है, गांधी जी ने अक्षर ज्ञान में किस विषय पर पूरा ध्यान देने को कहा है? किस विषय पर? दोनों, यानी गणित और संस्कृत, है ना, गणित और संस्कृत विषय पर जो है पूरा ध्यान देने को कहा है। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? भाई ये तो आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बता रही हूं, देवदास करमचंद गांधी, रामदास करमचंद गांधी, विष्णुदास या मोहनदास करमचंद गांधी। सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी, हाँ नहीं, एक और प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपने परिवार की जिम्मेदारी किस पर डाली थी? अपने भाई पर, अपनी पत्नी पर, अपने पुत्र पर या अपने भतीजे पर? अपने पुत्र पर। पूरे परिवार की जिम्मेदारी किस पर थी? उनके अपने बड़े पुत्र के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी थी। ठीक है, सही और गलत का निशान लगाइए। पहला है, गांधी जी ने गरीबी में ही सुख बताया, सही या गलत? सही। गांधी जी अपने पुत्र को योग्य डॉक्टर बनाना चाहते थे? गलत, नहीं, वो क्या बनाना चाहते थे? एक किसान। गांधी जी को जेल में प्रति महीने एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार था, बिल्कुल सही। गांधी जी का पुत्र अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा था? गलत। गांधी जी के पुत्र जो है अपनी, उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई थी वह निभा रहे थे, पूरी निष्ठा से निभा रहे थे। गांधी जी ने पुत्र को आचार विचार में हिंसा का प्रयोग करने की सलाह दी है? हिंसा और क्या, हिंसा करने की सलाह दी है? गलत। सत्य और अहिंसा, है ना, हिंसा नहीं करनी है हमें, किसके अनुसार? अहिंसा के प्रयोग पर बल दिया, यानी कि ये गलत है। अब हम आ रहे हैं रिक्त स्थान। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा अक्षर ज्ञान और कर्तव्य का बोध है या चरित्र निर्माण? चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। गांधी जी को बचपन में अपने देश की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था, किसका? पिताजी का। जेल में गांधी जी पूर्ण रूप से देश में थे, क्रोध में थे, शांति में थे? पूर्ण रूप से वे शांति में थे। गांधी जी को बा के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में किसने बताया था? डिप्टी गवर्नर ने।
और गांधी जी ने किस डैश विषय को अपने पुत्र के भविष्य के लिए उपयोगी बताया, संस्कृत या हिंदी? संस्कृत विषय को। ठीक है बच्चों, तो अब हम लिख लेते हैं मौखिक प्रश्न। ठीक है, आपने ये शब्दार्थ भी लिख लिया होगा। अब हम जो है मौखिक प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, मौखिक प्रश्नों कर लेते हैं। एक बात और बता दो, इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम नहीं करेंगे, इन कुछ प्रश्नों का ही उत्तर लिखेंगे लिखित रूप में। ठीक है, तो पहला हम लिख रहे हैं लिखित प्रश्न, पहला हमारा मौखिक है, सॉरी लिखित नहीं है, मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों के उत्तर, पहला जो प्रश्न है, यह पत्र कहां से व किसको लिखा गया है? पहला जो प्रश्न है, यह पत्र कहां से लिखा गया है? यह पत्र कहां से और किसको लिखा गया है? ये तो आप ऐसे ही जवाब दे दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। यह पत्र जो है गांधी जी ने जेल से, है ना, यहाँ ये नहीं पूछा है किसने लिखा है, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे, यह पत्र गांधी जी ने जेल से अपने पुत्र को लिखा है। यह पत्र गांधी जी ने जेल से, कहां से लिखा है? जेल से किसको लिखा है? अपने पुत्र को। जेल से अपने पुत्र को लिखा है। अब हम आ रहे हैं दूसरे प्रश्न पर। 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों में कैसे भाव होने चाहिए? 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों में कैसे भाव होने चाहिए? उत्तर है, 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध का भाव होना चाहिए। 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों में, अभी हमने देखा ना सही और गलत में, बच्चों में जिम्मेदारी यानी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध भाव होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मौखिक प्रश्न का उत्तर, इसे आप लिख लीजिए।
एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से, यह पत्र कहाँ से और किसको लिखा गया है? यह पत्र गांधी जी ने जेल से अपने पुत्र को लिखा है। प्रश्न दो है, 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों में कैसे भाव होने चाहिए? 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। तो ये दो हमारा मौखिक प्रश्न आज खत्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो कल हम जो है लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आज हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।